गुड मॉर्निंग सबको। और आज हम लोग जा रहे हैं मेरे एक दोस्त को मिलने के लिए, और वहाँ से हम लोग जाएगा मेरा पुरना वाला कॉलेज। तो कॉलेज में थोड़ा सा काम है, तो वो दोस्त कौन है जिसको हम मिलने जा रहे हैं उसको हम लोग आपको ये वीडियो में मालूम चलेगा, अभी नहीं बताएगा, वो एक सरप्राइज़ है। तो उसको मिल लेते हैं, उसके बाद दिखता है हम लोग कहाँ कहाँ जाएगा। सबसे पहले तो कॉलेज जाएगा, कॉलेज, उसके बाद कॉलेज से जाने के बाद कहाँ कहाँ घूमेगा देखते हैं। तो आज का प्रोग्राम यही है मेरा, तो मिलते हैं आगे ब्लॉग में। हम जहाँ भी ब्लॉग करने जाते हैं हर जगह मेरा राइट ये होता है, ये आगे वाला जो कार है वो। बट आज के लिए बहुत दिन हो गया हम अपना बाइक को नहीं चलाया, तो आज हम जाएगा इस पे। 2000 years later. So, पहुंच गया अभी दोस्त का घर। घर है ये विनायक, यहाँ पे जो विनायक है ना उसका ठीक सामने में है, तो बिल्डिंग में उठता है अभी, उठ के उसको मिलेगा, मिलने का हम लोग निकलेगा आगे ना। ठीक है चलो जाते हैं उसके घर। So, और थोड़ा सा दूर है उसके बाद तुम्हारा घर आ गया। So, ये दोसा घर। Let's enter the room. चलो अभी अंदर जाके मिलते हैं। So, welcome. दोसा घर घुस गया। तो दोस्त अभी रेडी हो रहा है, रेडी होने के बाद अभी वो निकलेगा, निकल के आप लोगों को दिखाएगा कौन है ना वो। अभी तक आप लोगों को मालूम नहीं होता हुआ कौन है, तो उसको आने देते हैं। तब तक आप उसका घर का थोड़ा नज़ारा देख लो कैसा है ना, बहुत सुंदर है, हमको तो बहुत अच्छा लगा। काश ये मेरा घर होता तो हम बहुत बढ़िया से अपना घर का पूरा दिखा रहा था क्या क्या है ना। तो चलिए देखते हैं। अभी दोस्त को मिलने का समय आ गया। पहले हम बताया था ना कुछ सरप्राइज़ है बोल के, कौन है आप नहीं जानते ना, तो अभी आप लोग को मिलाता है वो कौन है। तो एक बार कैमरा को टर्न करूँ, श्योर ना। ये हाय तो कर दो एक बार। हाय गाइस। हाय। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो भी बोल दो। इसका चैनल को ना अच्छा से सब्सक्राइब कर दो ना, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो ना, अपना जितना दोस्त है सबको शेयर कर दो। नाम इंट्रोडक्शन कौन देगा, नाम तेरा काम है भाई। इसका नाम है आरुष, ये एक मेरा साथ में हम लोग कॉलेज पर रहा था। तो अभी हम लोग फिलहाल इसका काम से कॉलेज जा रहा है, वहाँ से निकल के देखता है। आज हम लोग घूमने का प्लानिंग था गोम्पा मंदिर, उसके बाद ये इटाफोर्ट, लेकिन पता नहीं बारिश दे रहा है बहुत, मतलब बारिश बारिश है ना, कीचड़ भी है, ऊपर से आज बाइक लेके आए, तो देखते हैं क्या होता है ना। तो चलिए, मेरे पास तो अभी गोप्रो नहीं है, तो आप लोग का मोटो ब्लॉग करके तो नहीं दिखा सकता है। तो सीधा अभी हम लोग कॉलेज पहुँच के आपको वहाँ पे मिलता है। तो टाटा उस तब तक के लिए, बाय, बाद में मिलते हैं वापस ब्लॉग में। अभी अपना कॉलेज तो पहुंच गया, दोस्त जो काम करने चला गया है, अभी हम लोग इसका अंदर जाके देखिएगा। कॉलेज बहुत चेंज हो गया रे, मेरा ये कॉलेज ख़त्म होने दो साल हो गया, तो दो साल बाद आया है तो पूरा नज़ारा बदल गया। तो चलो आपको दिखाता है कैसा है मेरा कॉलेज जो है, खेलता नाम क्या था, ये राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक। तो चलो आपको दिखाता है क्या है, पूरा चेंज हो गया रे, यहाँ से ये सब कुछ नहीं था पहले ना, अभी पूरा अलग 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 हो गया जैसा लग रहा है, मतलब ना खुद ही नहीं पहचान रहे। तो ये हम लोग का कॉलेज का फर्स्ट एंट्रेंस, मेरा क्लास जो उस साइड में था, उस साइड में ना, उस साइड में सीएससी डिपार्टमेंट का था हम, तो हम ये 2018 में कंप्लीट किया था, तो लगभग दो साल ही हो गया, 2020 आने वाला है तो दो साल बोल सकते हैं उसको। चलो आपको अंदर का भी दिखाता है। तो ये रहा हम लोग का कॉलेज का एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग घुसता था। उसके बाद हम लोग का जो
क्लास था, क्लास जो हम लोग का वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में है, तो वहाँ पे अभी जा सकेगा कि नहीं सकेगा पता नहीं, अभी क्लास चल रहा होगा। जो भी हो, पूरा ये गार्डन गार्डन हो गया अभी ना, पहले तो ऐसा था नहीं। ये भी एक तो नया बना है यहाँ से उठने के लिए ऊपर। वहाँ पे उस साइड में फर्स्ट ईयर लोग का है, फिर इधर में सेकेंड ईयर लोग का, थर्ड ईयर लोग का, वो जो नया नया आता है, जो फर्स्ट ईयर में आता है, सब वो लोग का उस साइड में। और हम लोग का था क्लास उस साइड में, और लैब लोग यहाँ पे ऊपर साइड में है। ओए, कोर्स कोड क्या था? अच्छे से नहीं पढ़ने से ऐसे होते हैं ना, बैक लॉग भरते रहना पड़ता है। तो गैस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कॉलेज का काम हो गया, तो अभी आगे जाने का बाद आगे देखता है कहाँ जाएगा। फिलहाल फाइनल तो नहीं हुआ है कहाँ जाना है बोल के, तो अभी निकलता है। निकलने के बारिश भी दे रहे, तो इटाफोर्ट जा सकेगी नहीं सकेगा पता नहीं, तो अभी आगे देखता है क्या होता है। चलो आपको हम जो भी हो आप लोग को दिखाएगा क्या होगा। ये देखो इटाफोर्ट जा रहा है, इतना फोगी है इटानगर में, बारिश का दिन में ऐसे हमेशा फोगी होते हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहे। देखो हम लोग इटाफोर्ट पहुंच गया, बट इधर कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, इतना फोगी है। आप लोगों को कुछ दिखाई दे रही है? हमको तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा इधर में। देखो ऐसा फोगी है, बापरे हो गया ना। सो हेलो, फिर से ना बहुत दिन का मिल रहे। ऐसा हुआ उस दिन हम लोग का व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया, और आज मेरा कपड़ा भी चेंज दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया, बाल काट दिया। तो उस दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश दे दी, उसके वजह से मतलब हम लोग बना नहीं पाए व्लॉग को। तो आज फिर से आज एटलीस्ट 20 days ऐसा हो गया, तो उसका बाद फिर शूट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग है ये देख सकते हैं कहाँ पे, वो समझ में आ रहा होगा इटाफोर्ट, तो वहाँ पे आया है। तो बहुत यूट्यूबर जो इटानगर भेजते हैं वो लोग ये जगह डाल चुके हैं, पर भी आज आप लोग मेरे एंगल से देख लो कैसा होता है ना। तो ठीक है, आपको आगे व्लॉग में मिलता है, ये मेरा जो स्टाइल है उसी में बोल रहे हैं। ठीक है, फाइन। सो गाइस, ये अभी हम ये इसको जो इटाफोर्ट बोलते हैं, जो ब्रिक्स से बना हुआ है, ये जो 4 पिलर है उसका बीच में खड़ा हुआ है। एक्चुअली ये पहले ज़माना में, मतलब ये अर्ली सेंचुरी में इसको बनाया था, जो क्या नाम तो सुना होगा आप लोग, ये चुटिया डायनेस्टी बोल के, जो कुछ असमीस लोग से रिलेटेड है, वो लोग का ही कुछ था, अहोम्स लोग का। तो वो लोग का राजा जो बनाया था ये, आप लोग का बनाया था कौन सा सेंचुरी बोलने से, 14th या 15th सेंचुरी का बीच में। गाइस आप लोग का आइडिया हो गया, जैसे कि हम ये सीढ़ी से चढ़ के आए हैं तो कहीं ऊपर उतरे, तो ऊपर से मेरा मतलब है कि हम लोग अभी इटाफोर्ट का सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट पे आ चुका है। तो यहाँ से आप लोग जितना भी आप नज़र आया आप देख सकते हैं, तो वो कुछ Oh,
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ना यहाँ से पूरा आप ये ईटानगर का दूर दूर का जो जगह लोग है वो लोग आप देख सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे हमको दिखाई दिया ना, ये वाल लोग पे जो नाम वाम लिखा है ये एक्चुअली ऐसा लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल साइट है। तो आप लोग आके यहाँ पे ऐसा लिखिएगा तो ऑब्वियसली ये दिखने में सुंदर भी नहीं लगेगा, और कोई जो ईटानगर का नहीं है उसका बाहर का कोई है तो वो लोग आके इसको देखेगा तो वो लोग का इम्प्रेशन भी ख़राब होगा ना। तो हम जितना भी मेरा व्यूअर्स है जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं तो हम लोग को बोलते हैं कि ऐसा लिखना ठीक नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बोल के नहीं, कहीं भी अलग भी कोई भी जगह होगा तो उसको आप लोग सोचो कि वो आप लोग का भी प्रॉपर्टी है, आप लोग उसको अपना प्रॉपर्टी होगा तो गंदा नहीं करेगा ना। तो आप लोग भी सोचो कि ये आपका प्रॉपर्टी और हो सके तो गंदा मत करिए ना। सो गाइस ये आज इतफोर्ट आके मेरे लिए बहुत लकी दिन साबित हुआ ना। तो आप लोग को अभी मालूम चल जाएगा क्यों लकी दिन साबित हुआ। आप लोग जानता होगा जुमके नियमचे जो एक बहुत मतलब अरुणाचल का बहुत फेमस एक यूट्यूबर है जो बहुत ग्रो भी कर रहा है, बहुत आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं। वो मेरा एक्चुअली दोस्त का भाई है जुमके नियमचा, जो पहले हम लोग किंग कप में पढ़ता था। तो आज हम जुमके नियमचा का भाई को मिला तो आप लोग को अभी मिलाएगा। सो अगर जुमकेन या जुमगे या फिर कोई भी देख रहे हैं तो प्लीज़ बिना परमिशन का आप लोग का नाम लिया ना तो गुस्सा मत होना। तो जुमगे का तो हम ले ही सकते हैं क्योंकि तो मेरा बहुत बचपन का दोस्त है। सो जुमकेन आप पहचानता होगा कौन है। सो मेरा एक नया सब्सक्राइबर है जो जुमके नियमचा का भाई है। सो एक बार हाई कर दीजिए। हाय। तो जो भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं इन लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है जुमके नियमचा ब्लॉग, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर मेरा भी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये लोग का जो एक नया मूवी आया है तो वो लोग भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से एडिट किया, एक्टिंग भी बहुत अच्छा है। तो एक बार जाके चेक कर लीजिएगा जो भी मेरा व्यूवर्स है, और जो भी इनको पहचानते हैं जुमके नियमचा को पहचानते हैं वो लोग भी मेरा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। सो लास्टली हम लोग अभी पहुंच गया ये इटाफोर्ट के एंडिंग वाला पॉइंट में, सबसे नीचे है। तो इसका बाद हम लोग का ब्लॉग शायद ख़त्म हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही है, तो लास्ट का जो सीन है आप लोग थोड़ा देख लीजिए। सो चलते हैं आगे, वीडियो में मिलेगा आपको। सो गाइस आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, जितना शूट करना था किया। शायद होप करते हैं कि आप लोग को पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो टू है ना, मेरा एक नया सब्सक्राइबर है, अभी नया सब्सक्राइब किया है। आओ ना। Yeah.